नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, आप सब ने हाल ही में हुआ वर्ल्ड कप फाइनल मैच तो देखा ही होगा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पर आए थे। लेकिन हमारी इंडियन टीम जो ये पूरा वर्ल्ड कप एक तरीके से डोमिनेट कर रही थी, 10 के 10 मैचेस जीतकर फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल मैच हार गई और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत वो फाइनल मैच हार गई, तब से ट्विटर पर हैशटैग पनौती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। मोदी जी को यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा था, उन्हें पनौती कहा जा रहा था और मोदी जी की वजह से भारत ये फाइनल मैच हार गई है, ऐसा कई लोग ट्विटर पर लिख रहे थे और उन्हें यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा था। अब ये तो चलो, लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यानी कि राहुल गांधी जी, जो कि हाल ही में राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उन चुनाव प्रचार के स्पीच में राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण राहुल गांधी जी की मुश्किलें अब काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर उन्होंने मोदी जी को पनौती और जेब कतरा कह दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी जी को उनके इस मिसगाइडिंग स्पीच के लिए एक बड़ा नोटिस यहाँ पर इशू कर दिया है और राहुल गांधी जी से उनके इस स्पीच का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मांगा गया है। और यह है वो राहुल गांधी जी का वीडियो जहां पर उन्होंने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी जी ने यह स्पीच दी, बीजेपी ने इस पर पलटवार करना स्टार्ट कर दिया और राहुल गांधी जी के अगेंस्ट कंप्लेंट करी गई इलेक्शन पोल पैनल को, और कहा गया कि राहुल गांधी जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह की भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले पर एक्शन ली और राहुल गांधी जी के अगेंस्ट एक नोटिस यहाँ पर इशू कर दी गई, और जो उन्होंने मोदी जी के लिए पनौती शब्द का यूज़ किया था वो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डीलिंग विद करप्ट प्रैक्टिसेस को वायलेट करता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई आदमी, अगर किसी क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो, वहाँ पर ऐसे भड़काऊ भाषण देने की कोशिश करता है और वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश अगर कोई करता है, उन्हें दूसरी पार्टी के बारे में भड़काने की कोशिश करता है, तो ये इलेक्टोरल राइट्स यानी कि जो वोटर्स के राइट है उनके अगेंस्ट माना जाता है और ये फ्री इलेक्शन कंडक्शन के अगेंस्ट माना जाता है, ऐसी नोटिस यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी जी को यहाँ पर भेजी है। और राहुल गांधी जी ने एक और चीज़ यहाँ पर अपने भाषण में कही है कि लोगों के जेब से 14 करोड़ रुपए निकालकर बड़े बड़े बिजनेसमैन की जेबें भरने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को वार्न करते हुए कहा है कि ऐसे बेसलेस एलिगेशन करना इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये एलिगेशन किस बेसिस पर यहाँ पर लगाए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को मांगा है। और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस का राहुल गांधी जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो राहुल गांधी जी के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अपनी नोटिस में कहा है। और राहुल गांधी जी के इस भाषण की वजह से उन पर बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कहा है कि राहुल गांधी जी को आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो कि क्रिकेट का फाइनल मैच देखने के लिए गए थे और हमारे भारतीय प्लेयर्स का हौसला अफजाई करने के लिए वो मैदान पर गए थे, और उन पर इस तरीके की भाषा का उपयोग करना और उनकी इंसल्ट करना राहुल गांधी जी जैसे वरिष्ठ लीडर को शोभा नहीं देता और उन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कहा है। एक और बात बीजेपी ने यहाँ पर कही है कि जब 1982 में एशियन गेम्स हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था, तब भारत को हारता देख इंदिरा गांधी जी जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने वो आधी ही मैच वहाँ पर देखी और वो मैच को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली गई, जिससे प्लेयर्स का काफ़ी हद तक मोरल वहाँ पर डाउन हुआ और भारत वो मैच हार गया। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा ने भी राहुल गांधी जी के भाषण का रिप्लाई देते हुए कहा है कि भारत वो मैच इस वजह से हारी है क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था। कुछ इस तरीके का रिप्लाई यहाँ पर उन्होंने दिया है और राहुल गांधी जी के इस भाषण का विरोध किया है।
वही दोस्तों, कई कांग्रेस नेता समेत कई लोगों का यह मानना है कि फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रखना ही नहीं चाहिए था और उन्होंने इस मैच को नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रखने पर आपत्ति जताई है और बीजेपी फाइनल मैच जीतने का क्रेडिट यहाँ पर लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रखा और भारत वो मैच हार गया। ऐसे एलिगेशंस यहाँ पर बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या राहुल गांधी जी को अपने स्पीच में भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना क्या सही है? और क्या होता कि अगर फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जगह मुंबई के वानखेड़े या फिर ईडन गार्डन में खेला जाता तो क्या हमें कुछ और रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता? आपको यहाँ पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।